मजदूर। हर साल 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर को श्रमिक भी कहा जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति को बेचकर अपना रोजगार कमाता है वह मजदूर है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के दफा 2S के अनुसार मजदूर प्रशिक्षु समेत कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी या वेतन के बदले किसी उद्योग में शारीरिक अकुशल, कुशल, तकनीकी कार्यकारी क्लर्क या सुपरवाइजर का काम करता हो। सेना, नौसेना, वायुसेना और पुलिस के कर्मियों को इस अधिनियम से बाहर रखा जाता है। यदि किसी संस्था में 10 व्यक्तियों से कम काम कर रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों के मामले में या मालिकों के साथ विवादों को निपटाने के मामले में उस संस्था को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योग नहीं माना जाता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस अर्थात ESI अधिनियम से उन सभी मजदूरों को बाहर रखा गया है जो ठेका पर काम करते हैं या जिनकी कंपनी में 10 से कम लोग काम करते हैं। मनमानी से इसमें 15,000 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा लगाई गई है। इसका यह मतलब है कि इससे अधिक वेतन पाने वाले मजदूर को ESI के तहत स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर व्यक्ति के काम में काल्पनिक और सृजनात्मक मानसिक शक्ति की जरूरत है तो उसके काम को शारीरिक कुशल, अकुशल या क्लरिकल नहीं माना जा सकता। अतः ऐसा कर्मचारी मजदूर नहीं है। प्रबंधक या प्रशासनिक प्रकार का काम करने वाला मजदूर नहीं होगा। प्रशिक्षु मजदूर अन्य मजदूरों के जैसा अधिकार नहीं मांग सकता। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो मेंटेनेंस के काम की देखरेख करता है, जो दूसरे मजदूरों को छुट्टी देने, उन पर अनुशासनीय कार्यवाही शुरू करने और अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की भूमिका निभाता है, वह मजदूर नहीं है। जो जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर ग्रेड 2 पर तदर्थ तौर पर 6 महीने के लिए नियुक्त होता है, जिसके नीचे एक पुरुष नर्स, नर्सिंग अटेंडेंट, सफाई करने वाला और एक एम्बुलेंस चालक काम करते हैं, वह मजदूर नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका काम देखरेख करने का काम माना जाएगा। डाक सेवाओं में गैर विभागीय एजेंट नागरिक सेवक माने जाते हैं, मजदूर नहीं। उच्च शिक्षित प्रशिक्षित चिकित्सक या जाने माने शल्य चिकित्सक को मजदूर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जो डॉक्टर किसी अस्पताल का पूर्ण कर्मचारी है, जो मरीजों की जांच करता है, बीमारियों का निदान करता है और दवाइयां लिखकर देता है, वह मजदूर नहीं। कैंटीन कर्मचारी, मेडिकल अफसर और किसी कंपनी द्वारा नियुक्त वाहन चालक मजदूर नहीं माने जा सकते। सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित सार्वजनिक सेवाओं मसलन बिजली, पानी आदि के कर्मचारी मजदूर नहीं है। मजदूरों का अधिकार है, वह हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कर्मचारी बनाकर इस अधिकार से वंचित रखा जाता है, जबकि उन्हें इसका अधिक वेतन मिलना चाहिए। तो ये थी मजदूर के विषय में कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।